न्यूज चैनल वाले आले, चल लवकर। आले का? हो जरा ये मला मदद कर, ये पहन तो लू। पकड़। दुर्गा जी, आपके एरिया के लोग आपको आपके नाम से नहीं बल्कि गोल्ड वुमेन के नाम से पुकारते हैं, कैसा लगता है आपको? क्या खुशी होती है? हाँ होती है ना खुशी, बोले तो गर्व भी होता है। मतलब जिसे सोचा था ना मैंने, बिल्कुल वैसे ही हुआ है सब। छोटी थी तो औरत लोगों के गहने देखती थी तो सब मेरे पे चिढ़ते थे, तभी मैंने सोचा एक दिन इतना गहना पहनूंगी कि अखा गांव देखता रह जाएगा। कितने किलो होगा ये सोना? होगा कुछ 22 किलो। अरे आप लोग अंदर आओ ना, आओ अंदर आओ, या ना या आइए, अपना घर दिखाती है आपको। हाँ ये दोनों हमारे जावई जमाई। हाँ हाँ नमस्ते। और ये आ जाओ, ये तीनों मेरी बच्चियाँ, मेरा परिवार। मैं अपने परिवार को बहुत चाहती हूँ और इनके लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ मैं। आखे गाँव को मालूम है ये बात? हाँ, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता इनकी तरफ आंख उठा के देखने की भी, क्योंकि उनको मालूम है ऐसा कोई हिम्मत करेगा ना तो ये दुर्गा है ना उसकी आंख निकाल डालेगी। हाँ दुर्गा म्हणतात मला, दुर्गा। अपने इधर तो गलत काम चलता ही नहीं ना। ये हमारा कोलीवाड़ा है। हाँ और आगे जाने के बाद ना उधर समुंदर है। ए वो देखो गोल्ड वुमन, चलो उनके साथ एक सेल्फी खींचते हैं। मैडम क्या हम आपके साथ एक सेल्फी खींच सकते हैं? हाँ क्या ना, या ये जितनी भी नाव दिख रही है ना सब मेरी है, अपना ही सिक्का चलता है इधर, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता मेरा। मत मार मेरे को, मेरे को मत मार, ये सोने के वास्ते मारता मेरे को, ये चाहिए तेरे को, ये ले ये ले ये चाहिए, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ले ले सब ले ले। तेरे को सोना नहीं चाहिए। दुर्गा एक आत्मनिर्भर औरत थी, वो एक जिम्मेदार माँ थी और एक आदर्श नागरिक भी। दुर्गा हमेशा लाखों के गहनों से लदी रहती थी, ये सोना उसका शौक भी था और उसकी पहचान भी। पूरे इलाके में वो गोल्ड वुमन के नाम से जानी जाती थी। वो एक दबंग और रौबदार महिला थी, लोग उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके किसी अपने या नजदीकी ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया? जाहिर तौर पर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये खून उन सोने के गहनों के लिए किया गया था, और अगर ये सच था तो फिर इस खून का मकसद क्या था और वो कौन शख्स था जिसने अपना बनकर उसकी पीठ में छुरा भौंका था? मैडम 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 मेरी आई गुम हो गई है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। तुम्हारे आई मतलब गोल्ड वुमन? मैडम मैं दुर्गा सावंत है, विरार गांव की गोल्ड वुमन। क्या? हाँ मैडम, पूरा गांव इसे गोल्ड वुमन के नाम से ही जानता है। लगभग 50 किलो के आसपास के गहने पहनती है ये। 20-22 किलो सोना। लेकिन ये इतना सोना क्यों पहनती है? मैडम वो आई को गहनों का बहुत शौक है, बचपन से सपना था उसका कि इतना गहना पहने कि सब लोग देखते रह जाए। ऐसा कोई इंसान जिससे आई का कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो या फिर आपके परिवार से कुछ बनती नहीं हो? नहीं मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये आपकी आई कुछ काम बिजनेस करती? इतना सोना लेने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा तो आता है ना मैडम, 10 बोट है हमारी, 3 गाले है मच्छी मार्केट में, उसका भाड़ा भी आता है। तुमने तुम्हारी आई को आखिरी बार कब देखा था? जी वो कल रात को। आई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? नहीं कुछ नहीं,
अच्छा सुन, मैं बाहर जा के आती, तू दरवाजे खिड़की फिर से बंद कर लेना, ठीक है? मैं आके बोलती। आई अरे, फिर उसके बाद आपने आपके आई को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? मैंने फोन किया था लेकिन आई फोन घर पर ही छोड़कर चली गई। ठीक है, पर मैडम यांची कंप्लेंट होंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, ये सिंपल मिसिंग केस नहीं, इस केस के पीछे कहानी है। ये दुर्गा के फैमिली में कौन कौन लोग है? मैडम दुर्गा सावंतला तीन मुली, शीतल, आरती और सेजल। इसमें से दो बड़ी बेटियां यानी शीतल और आरती, इन दोनों की शादी हो चुकी है। उनकी शादी एक ही घर में हुई है और उनका ससुराल इसी गांव में है। सेजल के हिसाब से दुर्गा रात को जब बाहर निकली थी तब टॉर्च लेकर निकली थी, इसका मतलब है वो जहां जा रही थी वहां अंधेरा था। लेकिन हमें पता करना होगा वो गई कहां थी। रावत जरा विचार पूछ करा, किसी ने तो उसे जाते हुए देखा होगा। ओके मैडम। और मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि दुर्गा सावन गायब हुई उसकी एक वजह वो जो गहने पहनती थी वो भी हो सकती है। हो सकता है। ये पता करो दुर्गा और उसके बेटियों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? अगर तीनों इसी गांव में रहते तो सेजल के साथ कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है ये दुर्गा सावंत के गायब होने का किसी को कोई दुख नहीं है। सेजल के साथ तो कोई नहीं आया था कंप्लेंट लिखवाने। ऐसी बात नहीं है मैडम, दुर्गा गायब है ये बात हम लोगों को तब पता चली जब सेजल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आ गई। किसी पे कोई शक है जो दुर्गा को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और उनसे नफरत तो क्या, उल्टा सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जिस रात को वो गायब हुई थी उसी शाम को हमारे घर आई थी वो, और मुझे तो एकदम नॉर्मल लग रही थी, ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक दुर्गा सावंत मिल नहीं जाती है हमारे परमिशन के बगैर आप गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। चलो तावड़े। हाँ साहब, देखा था दो दिन पहले, मैं अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था तो ताई को बस्ती के बाहर जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को किधर जा रही हैं? साहब बहुत जल्दी में थी। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा है? नहीं साहब, हमारी बिरादरी बहुत इज्जत करती है ताई की। ताई ने तीनों बेटियों को पाल पोस के अकेले ही बड़ा किया, बहुत मुश्किल जिंदगी देखा साहब। अकेले मतलब उसका पति नहीं है? है सर, पर नाम के बराबर। बहुत साल से दोनों अलग रह रहे हैं साहब, मेरे को लगता है कि उसने ताई को छोड़ भी दिया। नाम क्या उसके पति का? महादेव सावंत सर। साहब दुर्गा ताई को रात को 10 बजे के आसपास मैंने जंगल की तरफ जाते हुए देखा। दुर्गा ताई इतनी रात को जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? मैं आऊँ क्या साथ में? नहीं, कोई काट के खाने वाले का मेरे को, मैं जाती हूँ, तुझे अपने रास्ते चल। किस तरफ है जंगल? गांव के पीछे की तरफ है साहब, दूसरे गांव में जाने के लिए शॉर्टकट है, पर डर के मारे कोई जाता नहीं उधर। अगर दुर्गा सावंत इसी रास्ते जंगल से आई है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तेरा ठीक तरह से ढूंढो, कुछ मिलता के देखो। ये कुत्तों की भौंकने की आवाज क्यों आ रही है? हो सकता है सर उनको कुछ खाने को मिल गया हो। मैडम क्या बदला? मैडम जंगली कुत्तों ने बॉडी को काफ़ी हद तक खाया है, बॉडी के पास ये खून और खून से लथपथ वो पत्थर, लगता है इसी पत्थर से सर पर वार करके खून किया गया है। रेगे, ये बॉडी के स्मेल के अलावा और भी कोई अजीब बदबू है यहाँ पर। ये दुर्गा तो 24 किलो के गहने पहनती थी, अभी तो यहाँ पे एक भी गहना नहीं है इसके ऊपर। हो सकता है वो गहनों के लिए खून किया गया हो, मारने वाले ने गहने लेकर इसे मारकर यहाँ छोड़ दिया। हो सकता है मैडम, ये भी हो सकता है कि किसी ने इसे यहाँ आते हुए देखा हो, उसका पीछा किया हो और बाद में सर पर पत्थर मारा हो जिससे बेहोश हो गई होगी और फिर गहने लेकर भाग गया, और बाद में जंगली कुत्ते ने इसे खाया हो और जिससे इसकी मौत हुई होगी। एक काम करा, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, मौत का असली रीज़न सामने आ जाएगा और घरचा ना बोलवा फॉर्मेलिटीज़। ओके मैडम। दुर्गा मर चुकी थी, उसकी लाश बहुत ही दयनीय अवस्था में मिली थी, लाश को जंगली जानवर खा चुके थे, उसकी बॉडी से गहने भी गायब थे, लेकिन अगर ये कत्ल गहनों के लिए नहीं किया गया था तो गहने गए कहाँ? ये मारने वाला और गहने चोरी करने वाला दो अलग अलग लोग थे, और इतनी रात को दुर्गा किससे मिलने गई थी, और वो कौन शख्स था जिसने उसे वहां बुलाया था, और लाश के पास वो अजीब सी गंध किसकी थी? सवाल ही सवाल थे और जवाब अभी दूर थे,
कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। रेगे, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से दुर्गा की मौत रात को 9:30 से 12:30 बजे के बीच हुई है, सर पर चोट लगने से, और उसके पेट में काफी मात्रा में शराब भी मिली है, और वो भी देसी। वो बदबू भी देसी दारू की थी। लेकिन क्या दुर्गा को इतनी बुरी लत थी शराब की कि इतने रात को वो जंगल निकल गई शराब पीने? मैडम, ये भी तो हो सकता है कि वो खुद ना गई हो, उसे किसी ने बुलाया हो और उसे फिर इतनी शराब पिला दी कि वो बेहोश हो गई, बाद में उसे मार डाला और सगले दागे निकले तो पड़ून गिला थे। हो सकता है, लेकिन वो आदमी उसके भरोसे का होना चाहिए, पर कौन होगा वो? और एक बात, हमें पता लगाना होगा ये दुर्गा को शराब की लत थी या नहीं, और अगर गहने चोरी हुए तो ब्लैक मार्केट में बिकने जरूर आएंगे। एक काम करा रहेगी, गहनों का मैं देखती हूँ, ये पता करो ये दुर्गा शराब किससे खरीदती थी। ये दुर्गा साहब, गोल्ड वुमन, तुम्हारे पास शराब खरीदने आती थी? नहीं साहब, वो क्यों खरीदेगी, वो तो पीती ही नहीं थी दारू। चुपके चुपके अगर पीती होगी तो मुझे मालूम नहीं। उसके परिवार में से कोई या उसे जानने वाला तुम्हारे पास शराब के लिए आता था? वो साहब, वो उसका मर्द है ना, महादेव, वो आता है अपने पास दारू पीने के लिए। 9 तारीख को आया था वो तुम्हारे पास? अरे साहब, एक नंबर था बेवड़ा है, तो रोज आता है इधर। बात सुनो, वो ये देखे, इधर कोई भी आएगा मेरे को पूछेगा तो बोलना मैं इधर है ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो दुर्गा है ना, उसका खून हो गया। तूने मार दिया उसको? ये तेरे को क्या करने का है? हमारे बीच का सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया ना, अब हम शादी कर सकते हैं, तपस्या ना तेरे लिए। जितना बोला है ना उतना कर, समझी? अब शांत रहिए। ये कौन है? ये मेरे मंगेतर है, रवि। या आपकी आई इतने गहने पहनती है रोज? हाँ मैडम। जिस दिन घर से बाहर निकली थी उस रात को भी क्या यही सारे गहने पहने हुए थे? हाँ मैडम। तुम्हारे आई को शराब की लत थी क्या? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। तो घर में ऐसा कोई हो जो शराब पीता हो? बाबा पीते थे, बाबा शराब पी के आई के साथ झगड़ा करते थे। 8 साल से बाबा हमारे साथ नहीं रहते। मैडम, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने बाबा को कब देखा था। बाबा तो होके भी नहीं थे, और अब आई भी चली गई। आप लोग जा सकते हैं। शिंदे, महादेव को उठा उसके घर से और यहाँ लेकर आ। ठीक है मैडम। रेगे, दुर्गा का वीडियो एरिया के सारे ज्वेलर्स को दिखाओ और पता करो कोई गहने बेचने आया था या नहीं, और अगर नहीं तो उनको वार्निंग दो कि अगर कोई भी गहने बेचने आता है तो हमें इन्फॉर्म करें। ओके मैडम। पूरे 24 किलो है, संभाल के ले जाना। और हाँ, मेरा कट याद रखना। किसी को मारा वारा तो नहीं ना? अरे नहीं यार, मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? अरे जिसका ये है उसके किसी नजदीक के रिश्तेदार ने मारा। महादेव साहब उनको डेथ, बुला उनको। जी वो घर पे नहीं है, बाहर गाँव गए किसी काम के लिए। आएंगे तो बोलना, बड़े साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है, लौकर लौकर हाजिरी दिया। जी बोलती हूँ। पूरा 24 किलो है, लेकिन तू बेचेगा किसे? अरे यार, तुम्हें क्या करना है उसके बारे में? उसमें हिस्सा है मेरा। मेरे दोस्त, तू बेफिक्र रहना, तेरा हिस्सा मिल जाएगा तुझे। ओके जा। मैडम, महादेव साहब गांव से बाहर गए, कल तक वापस नहीं आता, तो जहां भी गए वहां से उठा उसे। यस मैडम।
मैडम ये वो केस की फाइल है जो आभा गावित ने दुर्गा के खिलाफ की थी, लेकिन दुर्गा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला इसलिए ये केस क्लोज हो गया। इल्जाम क्या था? मैडम आभा गावित का कहना है कि दुर्गा उसे मारना चाहती थी, दुर्गा ने उसके बोट में जानबूझकर छेद किया था ताकि जब भी वो बोट लेकर समुद्र में जाए तो बोट के साथ डूब जाए। रेगे ये गहनों की चोरी के आड़ में कहीं पुरानी दुश्मनी का केस तो नहीं है? एक काम करा, अपने खबरियों से आभा गावित की इन्फॉर्मेशन निकालो और जरा भी शक है तो उठा उसे। ओके मैडम। रेगे साहब, दुर्गा और गावित के बीच में कोई लफड़ा था क्या? अरे साहब वो गावित का लड़का है ना दर्शन, का वो दुर्गा की दो नंबर लड़की है ना आरती, उसके साथ उसका टाका फिट हो गया था, वो दुर्गा को मालूम पड़ गया। चाहे बोले ना क्या? आओ आओ दुर्गा भाई, मेरी बेटी को जा सकती है तू? आओ दुर्गा भाई, चीर डालेंगे मैं। ए दुर्गा मंटेत माला, क्या नाम की दुर्गा नहीं है खाली में? आका आका मुझसे गलती हो गई, मैं छोड़ दो मुझे, आइंदा आरती को नहीं मिलूंगा आका। अरे आइंदा आने की नौबत ही नहीं देगी मैं, समझे ना? मैं माफी मांगता हूं, छोड़ दे इसको। मेरा बेटा आरती को कभी नहीं देखेगा। ए चुप, काट डालेगी वरना मैं, चल यहां से उसको मार। आका आओ दुर्गा भाई, आका अभी तो वो गांव छोड़ के मुंबई चला गया, मुंबई में किधर काम करके सेटल हो गए, अभी पिछले हफ्ते आकर गया है। और वो कांड के बाद तो दुर्गा ताई ने अपनी बेटी की शादी वो अजीत तांडेल के साथ करवा ली। तो एक काम कर, हाँ ये तांडेल फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल। हाँ हाँ सर। और सर जी नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया। पूरा 24 किलो है और प्योर गोल्ड है। हाँ चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करो, लेकिन मैं कब आऊँ? तू तेरा मोबाइल नंबर छोड़ के जा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। आप जरा बाहर रुकेंगे, हमें इनसे पूछताछ करनी है। जी ठीक है, बैठिए। आरती आपके और दर्शन के बीच में जो कुछ भी चल रहा था हमें सब कुछ पता है, तो अगर आप चाहती हैं कि आपके आई का कातिल पकड़ा जाए तो दर्शन से जुड़ी सारी बातें हमें बताइए। बोलिए। मैम मैं दर्शन को बहुत चाहती थी, उसने मेरे को शादी का वादा भी किया था, लेकिन मेरे को उसकी सच्चाई का मालूम नहीं था, वो जो बोलता था मैं मानती थी, फिर वो दिन। अरे तेरे को क्या लगता है वो दर्शन के साथ तेरा क्या चक्कर चल रहा है मेरे को मालूम नहीं? इधर दर्शन है ना, हरिश्चंद्र दर्शन, इसकी असलियत तेरे सामने लाती अभी मैं। मनीषा ये देख, ये मनीषा, ये तेरा जो दर्शन है ना, इसको भी बोला था तेरे साथ शादी मनाएगा। हाँ इसको येड़ा बनाया, येड़ा इतने साल, और गया छोड़ के इसका पैसा भी सा लूट के, और वो भी ना तेरे को लूटने चला है वो। आई तू झूठ बोल रही, दर्शन ऐसा नहीं कर सकता। आई बता इसको। काकी झूठ नहीं सच बोल रही है, और सिर्फ मैं ही नहीं, गांव में तुम्हारे और मेरी जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनको दर्शन ने शादी का झांसा दिया है। मैं इसको समझाती हूँ, जा तू। तेरा क्या है, क्या बातें सुन रही हो? चल काम करना, इधर क्या है? तू आ बैठ इधर। आरती तेरे को मालूम है ना तुम तीनों को कैसे पाल पोस के बड़ा किया मैंने? देख मेरी मेरी कसम में तेरे को बोल, वादा कर तू नहीं मिलेगी उस लड़के को, बोल जल्दी। आई आई तू रो मत, आई तू जो बोलेगी मैं करूंगी, आई बस तू रो मत। तू देखना अभी तेरी शादी ऐसे धूमधाम से मनाएगी ना, आपका गांव देखते रह जाएगा। शांत रहिए आप, लीजिए पानी पीजिए। आपके आई की किसी के साथ जाती दुश्मनी थी या फिर फैमिली में ऐसा कोई जिसके साथ दुर्गा की बनती नहीं हो? नहीं मैडम, बाबा के अलावा आई का कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। ठीक है आप जा सकती हैं। Thank you.
हेलो पप्पू, जल्दी से दुकान में आ जा। मैडम, मार्केट के हर एक ज्वेलरी दुकान पर हमने नजर रखी थी, मगर दुर्गा के गहने बेचने अब तक कोई भी नहीं आया। हो सकता है विरार के बाहर गहने बेचने की कोशिश हो। एक काम करा तावड़े, ये दुर्गा की ज्वेलरी वाली फुटेज डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी भेजो और बोलो मार्केट पे नजर रखे। ओके मैडम। मैडम, ये दर्शन गावित और उसके बाद आभा गावित के कॉल रिकॉर्ड थे। इन रिकॉर्ड के मुताबिक मैडम, दर्शन गावित और आभा गावित के मोबाइल लोकेशन जिस वक्त दुर्गा सावंत का मर्डर हुआ यानी 9:30 से 10:30 के बीच में जंगल के बाजू के रोड का ही दिखाई दे रहा है। उठाओ दोनों बाप बेटे को। ओके मैडम। ये नकली है। नकली को नकली नहीं तो क्या असली कहूँ? अरे सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैंने एकदम प्योर गोल्ड दिया आपको। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरा ये माल मैंने बदल दिया 8 घंटे में? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। एक काम करो, ये रख दो, मैं फिर आऊंगा। हे गावित, बाहर आ, चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो काकू साहब, मैंने क्या किया साहब? प्यार से बोला तो समझ में नहीं आ रहा है। चल साहब। क्या रहा? अगर तूने ये सब कुछ नहीं किया है तो तेरे मोबाइल का लोकेशन वही क्यों दिखा रहा है जहां दुर्गा का खून हुआ है? देखा, मैं मालूम है तेरी और दुर्गा की दुश्मनी थी। अब तू बता, तूने और तेरे बेटे ने क्या प्लानिंग की है दुर्गा को मारने की? मैडम, हम लोगों ने नहीं मारा। मैडम, मेरा बेटा मुंबई जा रहा था, मैं उसको बस स्टॉप पे छोड़ने गया था। मैडम, 10 बजे उसकी बस आने वाली थी। मैडम, अभी वो बस स्टॉप ही जंगल के पास है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैडम, मैडम आपसे मिलने कोई आया है? साहब, मैं प्रदीप पाटिल, वो दुर्गा ताई के मर्डर के बारे में कुछ बोलना था। बोलो। मैडम, वो दुर्गादाई का संधि है ना, बलिराम, वो अपन लोग के बाकड़े तोड़ के उधर ना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता था, रोज रोज का मचमचता सा। एक दिन फिर वो अपने नेता लोग के साथ पहुँच लगा के अपन लोग की जमीन अड़पने पहुंचा उधर। ये बात ताई को पता चल गई, ताई आ गई उधर हमारी तरफ से बोली। बाद में ना ताई और बलिराम के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। अरे जब प्रदीप को जगह बेचने की ही नहीं है तो तू खरीदेगा कैसे? तू कला त्रास करते और काय को तेरे को हर काम में अपना नाक घुसाने का है? मेरे को भी देखने का है, प्रदीप का गाड़ा तू खरीद के दिखा, मैं इसके साथ खड़ी है। अबे साली, पहले जाके अपना खुद का घर संभाल, पहले जाके अपने पति को संभाल जो दूसरी शादी कर रहा है दूसरी औरत के साथ। समाज सेविका बनने आई तू इधर, मेरे को सिखाने को आई तू इधर? मेरे को रोकने से अच्छा है अपने पति को जाके रोक। तू मेरे को पढ़ाए क्या? मेरे को? ए दुर्गा, छोड़ मेरे को। देख, ये मत भूल, तेरी बेटी मेरी बहू है, सोच सोच मैं क्या कर सकता हूँ। अरे साले, मैं दिखा दे मैं क्या कर सकती है तेरे को, ये देख, समझे? तू मेरी बेटी को हाथ तो लगा के दिखा, अगले टाइम चप्पल नहीं ये कोई तो होगा हाथ में, ऐसे चीर डालेगी ना तेरे को कि सब गांव देखता रह जाएगा, समझे? मैडम, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन मैडम ताई की वजह से ये बलिराम जैसे लोगों के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को हिम्मत मिल गई साहब। और वो उस दिन भी आया था जिस दिन ताई का खून हुआ था। ठीक है, तुम जा सकते हो। देखिए, प्रदीप के बात में जरा भी सच्चाई है तो हो सकता है ये खून दो परिवारों की आपसी दुश्मनी का नतीजा हो। यार बलिराम पर लक्ष्य टेवा जरा। मैडम, मुझे लगता है यह बलिराम को हमें उठा लेना चाहिए, दो डंडे पड़ेंगे ना सब कुछ सच उगल देगा। नहीं अभी नहीं, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो फिर देखते हैं। और मैडम, मैंने दुर्गा के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके पति महादेव ने जब से उसे छोड़ दिया है अपना घर वही संभालती थी और अपने कोली समाज के लिए भी उसने अच्छा खासा समाज कार्य किया था। लेकिन रेगे, ये सब बाहरी इन्फॉर्मेशन है, हमें अंदर का कोई आदमी तोड़ना चाहिए जो दुर्गा को अंदर बाहर से पहचानता हो। सर, सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर रात को 2 से 4 बजे के बीच हुआ है और फोन लोकेशन के हिसाब से उस वक्त वहां सिर्फ 2 मोबाइल की लोकेशन दिख रही है, एक रघु जाधव के नाम पर और दूसरा प्रशु सावंत के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब इन दोनों में एक मरने वाला और दूसरा मारने वाला। रघु जाधव है।
नहीं, वो बाहर गए। कब गए? क्या हुआ साहब उनको? ये परसों का है कुछ मालूम है? नहीं साहब, मैं भी उसको ढूंढ रहा था। भाड़ा भी नहीं दिया, परसों बोल रहा था कल पैसा मिलने वाला है। 12 महीने का भाड़ा एक ही साथ दे दूंगा, लेकिन देखो अब गायब है। मतलब दोनों के बीच में कोई डील हुई, मामला जमा नहीं और झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर परसों ने रघु को मार दिया। और परसों भाग गया, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मोरे, परसों रघु की कॉल डिटेल्स निकालो। ओके सर। दो अलग अलग जगह दो खून हुए थे और दोनों का ही ताल्लुक उन गहनों से था जो दुर्गा पहनती थी। मुंबई की पुलिस रघु के कातिल को ढूंढ रही थी और वहां विरार में दुर्गा के कातिलों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया था, बलीराम तांडेल का। लेकिन ये सवाल अब भी अनछुए से थे कि दुर्गा का कत्ल किसने किया था और क्यों। दुर्गा अगर शराब नहीं पीती थी तो फिर उसके शरीर में इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे पाई गई? और इसी उधेड़बुन में पुलिस के हाथ एक ऐसा गवाह लगा जिसने इस केस में एक नए पहलू का खुलासा किया। रखमताई, तुझे ना बोला था साहब, ये रखमताई है, दुर्गाताई के यहाँ 20 साल से झाड़ू कटके का काम करती है। इसके पास बहुत कुछ है तुमको बताने के लिए। वो फैमिली का जो भी कुछ पूछना है तुमसे पूछ लो। क्या बता सकते हैं कि दुर्गा और तांडेल के बीच में किस बात को लेकर कब से झगड़ा था? हो साहब, 1 बरस हो गया अनिल भाऊ और वत्सला भाई आई थी दुर्गा के घर में। धोखा दिया है तुमने हमको, झूठी कही कि बाहर बड़ी न्याय की देवी बने घूमती है। ए, एक तो मैं किसी का सुन के नहीं लेती, तमीज से बात करो। ए, तमीजों वाली, झूठ बोला है तुमने हमारे साथ। मालूम था ना तुझे कि तेरी बेटी शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, फिर भी तूने हमको कुछ नहीं बताया। लेकिन तू तेरी बेटी को जिस डॉक्टर के पास लेके गई थी उसी डॉक्टर के पास मैं उसे दिखाने को लेके गई थी। उस डॉक्टर ने ही मेरे को बताया कि तू उसे उसके पास लेके जाती थी करके। फसाया है तूने, फसा के तूने मेरे बेटे के गले में डाली है तेरी भांज बेटी। मेरे को मालूम होता ना तो पहले बोल देती, मैं किसी के बाप से नहीं डरती मैं। आई, एक मिनट, चुप रहा। देखो, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, ये धोखा बहुत महंगा पड़ेगा आपको और इसका नुकसान शीतल को भुगतना पड़ेगा। क्या क्या बोला तू? तेरे को तू रुक तू। अरे मेरी बेटी को मारेगा ये? क्या करेगा रे मेरी बेटी को? क्या करेगा तू? हाँ बोल, क्या करेगा? मेरी बेटी के बारे में बुरा सोचा ना तो दोनों को काट के रख दूंगी। झूठ नहीं साहब, ये सच है। दुर्गा बहुत प्यार करती थी अपने बेटियों से और सेजन को तो अपने कलेजे का टुकड़ा समझती थी। उसके लिए वो जान भी दे सकती थी। दुर्गा और महादेव के बीच में किस बात को लेकर अनबन थी? अनबन क्या साहब, दारू पी के रोज मचमच करता था वो। महादेव है ना, दूसरी औरत के साथ शादी करने वाला था। दुर्गा बेचारी चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी अपने बेटियों के लिए, ऐसी कोई भी माँ नहीं कर सकती। ये खून या तो तांडेल बाप बेटों ने किया है या फिर दुर्गा के पति महादेव ने। तीनों को उठाओ, तीनों बताएं सच्चाई क्या है। ओके मैडम। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से रघु ने सबसे ज्यादा कॉल प्रशु सावंत को किए थे और इस प्रशु सावंत ने रघु से बात करने के बाद किसी पप्पू शिंदे को फोन किया था और इस पप्पू शिंदे के मोबाइल का जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वो विरार का है। पप्पू शिंदे। मोरे, इस पप्पू शिंदे को उठाओ। अब ये पप्पू शिंदे ही हमें बता सकता है कि परसों रघु के बीच में क्या डील हुई थी। सब वो परसों ही मेरे पीछे पड़ा था, बोला 24 किलो गहने उसको बेच के दे दे करके। तो तूने बेच के दिया? ये सब कैसे बेचता है? वो ज्वेलर्स बोले कि सब माल नकली करके। ये रघु जादव कौन है? सब नहीं जानता इनको मैं। 13 नवंबर की रात को कहाँ था तू? ज्वेलर्स की दुकान में उसके साथ में बैठ के
पूरी रात एक एक गहना चेक कर रहा था साहब। मोरे दुकान को अच्छी तरह से चेक करो और देखो कितना चोरी का माल मिलता है। क्या हुआ साहब? मुंबई की पुलिस अब रघु मर्डर केस को समझ चुकी थी। रघु जाधव ने परशु सावंत को वो गहने बेचने के लिए दिए और परशु ने आगे वो गहने पप्पू को दिए और पप्पू ने मगनलाल ज्वेलर्स को। लेकिन मगनलाल का कहना था कि गहने नकली थे। शायद परशु को इस बात पर गुस्सा आया और उसने रघु की जान ले ली। लेकिन सवाल ये था कि क्या गहने वाकई नकली थे या फिर बीच में किसी ने असली को नकली बना दिया था। कहाँ रहे हो घर पे? साहब वो अभी तक बाहर गांव से आए नहीं है। फोन लगाओ उसे। किया था साहब, फोन बंद आ रहा है, चार्जर भी इधर के ही भूल गए। अच्छा बाजू लो। अरे साहब बाजू लो। अरे मैडम मैं बोल रहा साहब। अरे आप क्या कर रहे हो? अरे सिंधे काही सापडलं नाही सर। सावडे सर काही सापडलं नाही सर। साहब मैं सच बोल रही थी, वो आज नहीं वो कल आने को है, बोला था मेरे को। सब क्या हो? क्यों क्यों लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो साहब? क्या हुआ साहब? हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर तुमको मालूम नहीं तुमने किसको उठाया है? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रेगे अपनी पहुंच दिखाओ इसको जरा। सावड़े राहुल हमको क्यों मार रहे हो साहब? हमने कुछ नहीं किया, जा रहे हो हमको प्लीज। तुम दोनों के पास मोटिव तो है दुर्गा को मारने का। तुझे तो जमीन चाहिए थी ना कोल्ड स्टोरेज के लिए, जो तेरे पॉलिटिकल कनेक्शन के बाद भी दुर्गा की वजह से मिल नहीं रही थी। और तू, तेरी शादी तो एक ऐसे लड़की से कर दी थी जिसको ना बच्चा हो रहा था और ना दुर्गा के डर से तू उसे छोड़ पा रहा था। ये वजह से तू मछुआरों की बस्ती में पहुंच गए थे। चलो अब आगे की कहानी जब दिल करे तब सुना लेना। रेगे मदद करेंगे तुम्हें याद करने में। ज्यादा मत सोचना वरना ऊपर की पहुंच तो छोड़ो, जमीन पर चलना तक भूल जाओगे। रेगे जिस औरत ने अपने बलबूते पर तीन तीन लड़कियों को पाला है उसमें से दो की शादी करवाई है, इसका मतलब है जो हमारी नज़र में है उससे कहीं ज़्यादा है और जो तांडेल परिवार से बाहर है। अगर ये महादेव कल तक नहीं मिलता है तो उसका आरएस वारंट निकालो और जहाँ भी है उठाओ वहाँ से। और एक बात, ये दुर्गा और महादेव इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो है रकमा का। मैडम दुर्गा ने अपनी हिम्मत से दो लड़कियों की शादी भी करी लेकिन महादेव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। क्यों, क्या चाहता था वो? तलाक। अरे पागल हो गया आदमी। अरे तेरी बेटी की शादी होने जा रही है अभी सैजल की और तू शादी मनाएगा? अरे गांव वाले हंसेंगे तेरे पे। ये दुनियादारी तू देख, मेरे को मतलब नहीं इससे। कागज पर सही कर। मैं तो इतना बड़ा वकील किया ना मैंने कि तेरे घर का हांडा बर्तन कुछ बचेगा नहीं, रास्ते पे आएगी तू। सही कर। ठीक है साइन करती मैं। हां तेरे कागज पे साइन करती लेकिन सैजल की शादी के बाद। मैडम वो मेरी बाइक को किधर है? 8 साल से अलग रह रहा हूँ मैं। वो बोट वो गाले वो सब कुछ मेरा है और गांव में बोलती फिरती थी कि वो सब उसका है। फिर भी मैडम मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। जिस घर में रहती थी वो घर भी मेरा, उसका सारा खर्च भी मैं उठाता था। तुझ पे बोझ बन गई थी इसलिए मार डाला ना उसे। मैडम मैं क्यों मारूंगा उसको? तो फिर दुर्गा जंगल की तरफ गई थी तब तेरा मोबाइल का लोकेशन भी जंगल का आ रहा है।
क्यों गया था उधर? मैडम मैं दारू पीने के लिए गया था, अभी इसके अंदर भी मैं कानून तोड़ा क्या? सवाल नहीं पूछने का, सिर्फ जवाब देने का। सच बोल, दारू पीने गया था या खरीदने भी गया था? नहीं, एक बोतल पिया और एक खरीद के लेके गया था। इसका मतलब है मैडम, बाद में दुर्गा को जंगल में मिला और उसे जबरदस्ती दारू पिलाई, उसके बाद इसने दुर्गा को मार डाला और उसके गहने लेकर भाग गया। अब ये दूसरी शादी करेगा और वही गहने अपनी नई बीबी को पहनाएगा। काय बोलता है वो? अरे वो नकली गहनों के लिए मैं उसको काय को मारेगा। नकली गहने मतलब? मैडम वो दुर्गा जो गहने पहनती थी वो सब नकली थे। महादेव के मुताबिक दुर्गा के गहने नकली थे, लेकिन पुलिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी और उसी वक्त मुंबई पुलिस ने परशु सावंत को ढूंढ निकाला। सब बता दो, रघु मेरे को बोला कि गहने असली है लेकिन गहने नकली निकले। मेरे को डाउट हुआ कि उसने गहने बदली किए। मैं उसको पूछने के लिए गया तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम डालने लगा कि तूने ही गहने बदली किए। तब गुस्से में हाथापाई हो गई और मैंने मार दिया उसको। गहने कहाँ से चोरी हुए थे? सब विरार से। बोरे विरार पुलिस स्टेशन में पता करो गहने को लेकर ऐसा कोई केस दर्ज हुआ क्या। ओके सर। मैडम मुंबई के कालबा देवी रह के एक ज्वेलरी शॉप पे मुंबई पुलिस को रेड में ये गहने मिले। सारे गहने नकली है, बस इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इनकी रीसेल वैल्यू कुछ नहीं है। तो ज्वेलर ने ये सारी ज्वेलरी ली क्यों? सब वो गहने साहब मुझे इसलिए दिए थे साहब, अभी कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम साहब। शिंदे सब 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 बता सब, उधर के पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया साहब। वो गहने मेरे को रघु ने दिए थे और देते हुए बोला कि उधर के किसी आदमी ने उसको वो गहने दिए थे और उस औरत का करीबी रिश्तेदार है। कौन था वो आदमी? अब सच बोलो, दुर्गा को क्यों और कैसे मारा? मैम मैं मिला था उस दिन दुर्गा काकी को। अरे काकी तू समझती काय को नहीं है, मैं अगर मेरे हिस्से का पैसा मेरे पार्टनर को नहीं देगा ना तो मुंबई के मेन मार्केट में है वो दुकान, वो मेरे हाथ से चली जाएगी और इसकी वजह सिर्फ तू होगी क्योंकि तू बोली थी ना मेरे को पैसा देगी। अरे पर मैं कब बोले नहीं दूंगी? मैंने सुना है कि मुंबई में ना लोगों को ले अड़ा बनाते हैं। हाँ तू उसको बोल दुकान बेचने को, देखो उसकी कैसे हवा जाती है। यही पैसा अगर वो अनिल बाबू या अजीत बाबू मांगते ना तो ये फटक से कहीं से भी एडजस्ट करके दे देती। मैं गरीब घर का है ना सेजल, मैं गरीब घर का इसलिए ये नहीं दे रही मेरे को पैसा। अरे बाबू तू ऐसा काय को बोलता है? नहीं चाहिए मेरे को तेरा पैसा, नहीं चाहिए। अरे रवि रवि ए देवा सही बोलता है रवि, तू उसको इसलिए पैसा नहीं दे रही है क्योंकि वो गरीब है। अनिल या अजीत भाव होते तो फट से पैसा निकाल के देती तुमको। सेजल अरे सेजल, मेरे को और सेजल को लग रहा था कि दुर्गा काकी को मुझे पैसे देने का मन नहीं है, पर से मुंबई से मेरे पार्टनर ने पैसे देने का आखिरी डेट दिया था, तब मैंने और सेजल ने ही प्लान बनाया कि दुर्गा काकी के गहने चुराने का और उसे बेच देने का। तो मैंने और सेजल ने जैसे प्लान बनाया था वैसे उस दिन वो घर पे चली गई। खुशी मना भी आई तू समझते क्यों नहीं है? अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो कल मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। क्या मतलब? अरे बोलना क्या हुआ? अरे बोलना बोल कुछ। मैं पेट से हूँ, उसके बच्चे के पाप बनने वाले। अरे अरे इतनी आग लगी थी कि तेरे को रवि कहाँ है अभी? बस स्टैंड के पास वाले जंगल में बैठ के दारू पी रहा था, मुझे वहीं बुलाया था, वहीं होगा। अगर तुझे गहने मिल गए थे तो दुर्गा को मारा क्यों? उसने मेरा चेहरा देख लिया था। रवि रवि कहाँ हो तुम? रवि रवि तुम
तू मेरे को क्यों मार रहा है? मैं क्या किया? मैंने तो तेरे लिए बहुत कुछ किया ना, सब भूल गया तू? मत मार मेरे को, मेरे को मत मार। ये सोने के वास्ते मारता मेरे को। ये ले, ये ये ले, ये भी ले ले, ये ले, ये सब ले ले, हाँ, ये चाहिए, सब 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 ले ले तू। मेरे को छोड़ दे मेरे को, ये सब लेके जा तू। तेरे को सोना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं सीधा बस स्टैंड चला गया। उस दिन शाम को ही मैंने मुंबई का टिकट निकाला था, लेकिन जिस वक्त हमको पता चला कि वो गहने नकली है, उस वक्त हम दोनों को बहुत दुख हुआ। ये दुख तो बहुत कम है, अब तो तुम्हारे दुखों की शुरुआत होगी। तुम जैसे लोगों के लिए जेल अच्छी जगह है, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। एक औरत जिसने अपनी जिंदगी अपनी बेटियों की खातिर कुर्बान कर दी, उन्हें खुशहाल जिंदगी देने के लिए हर तरह की पीड़ा सही, उन्हीं में से एक बेटी ने अपने अंधे प्यार के लिए उसे मार डाला। सेजल को रवि का साथ देने और पुलिस को गुमराह करने के लिए, रवि को दुर्गा के कत्ल के लिए और परशु को रघु के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया और फिलहाल सभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। बच्चे अक्सर माँ बाप के सामने अपनी मांग रखते हैं और माँ बाप किसी भी तरीके से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर कभी माँ बाप उस मांग को पूरा ना कर पाए तो जरूरत है कि बच्चे अपने माँ बाप के संघर्ष को समझें और किसी के बहकावे में ना आए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद।